हेलो दोस्तों, राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो अपडेट आया था कि वो 8 सितंबर को आप इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते थे, बट उस टाइम वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा था, तो इन्होंने आज के दिन मतलब 15 सितंबर के दिन इनको पोस्टपोन करके लागू किया गया था कि 15 सितंबर से आप इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते हैं। ओला S1 और S1 प्रो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप आज से परचेज कर सकते हैं। तो इनका परचेजिंग ओपन हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप परचेज कर सकते हैं, इसका ऑन रोड प्राइस कितना होने वाला है, इसके सब्सिडी को आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें और दो स्टेट इंक्लूड हो गए हैं जो आपको अब स्टेट सब्सिडी देने वाले हैं, जिससे आपको अब बेनिफिट मिलने वाला है। और ये भी बताऊंगा कि कौन लोग जिनके पास परचेजिंग लिंक नहीं आ रहा है या परचेजिंग लिंक कैसे आ रहा है, वो सारा कुछ भी आपको इसमें बताने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, जो कंपनी है, उस काफ़ी लोगों को ईमेल के थ्रू ही लिंक प्रोवाइड कर रही है जहाँ से आप ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हैं, और लिंक उन्हीं के पास आ रहा है जिन्होंने सबसे पहले रिजर्व किया था इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। जब मतलब मान लीजिए जैसे 15 जून जुलाई को ये जब इसका जब बुकिंग स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जिन्होंने इसको सबसे पहले रिजर्व किया है उन्हीं के पास सबसे पहला मतलब परचेज करने का ऑप्शन मिल रहा है। जिन्होंने लास्ट में अपडेट किया है उनके पास अभी नहीं जा रहा, उसी मतलब स्टार्टिंग से होते हुए मतलब आप समझ सकते हैं बढ़ते क्रम में छोटे क्रम में जैसा होता था उस हिसाब से ये चीज़ें हो रहा है। जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था उन्हीं के पास पहले परचेज करने का ही लिंक जाएगा, जैसा कि कंपनी पहले बोल रही थी कि पहले आइए पहले पाइए वाला, वैसा ही अभी ठीक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका जो मेल के थ्रू ही जो परचेजिंग लिंक या जो ऐप है उसके थ्रू ही आप इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते हैं। अलग से कोई ऐप नहीं बनाया गया है, ओला का जो पहले ऐप था उसी पे अपडेटेड जो लेटेस्ट ऐप है उसी पे आपको एक नोटिफिकेशन एक आपको वहाँ पे ब्लिंक करता हुआ होम पेज दिख जाएगा, होम पेज पर ही वहीं से आप इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी काफ़ी लोगों में नहीं आ रहा, जैसे मेरे में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी तक इसको रिजर्व नहीं किया है, तो ये सभी लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता ओला की ऐप पे, और ऐसे इसको बुक करने का वही ओला की ऐप से ही इसको बुक कर सकते हैं, वेबसाइट से ये नहीं हो रहा। वेबसाइट्स में सबसे पहले आपको अब बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको जहाँ रिजर्व का है उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सारे डिटेल्स आ रहा है, आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं और क्या कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स है, ये सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से आप अपने कलर को चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओला S1 है उसका जो EMI है वो 2,999 रुपये से स्टार्ट होगा, S1 प्रो का 3,199 रुपये से इसका EMI स्टार्ट होगा। तो ये कुछ है, तो यहाँ पे आपको आना है उसके बाद रिजर्व का पेमेंट करने के बाद, उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इसके ऐप से ही इसको परचेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले ऐप में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूँ जहाँ पे आप हैं करंट में और जहाँ पे आपको ये स्कूटर चाहिए वहाँ का आपको पिन कोड डालना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व हो चुका है, यहाँ पे आपको जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए S1 या S1 प्रो लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल के इंटर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड इंटर करने के बाद आपको डन कर देना है, डन कर देंगे और यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा कुछ आपका यहाँ सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा, एक्स रूम क्या है और रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आपको कितना लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने दो स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में आप अगर देखते हैं तो ये ओला S1 का प्राइस है, और जो ऊपर में है ये सारा ऑन रोड है, सारा कुछ आपको मिला के इसका ऑन रोड पड़ने वाला है। तो एक जगह आपको पड़ने वाला है 1,23,367 रुपये और एक जगह है 1,09,747 रुपये, ये दोनों ऑन रोड है। इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहला यहाँ पर आपको 99,999 रुपये तो आपका एक्स रूम जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस है वो देना पड़ेगा। रोड टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जगह अलग है, एक जगह 16,000 समथिंग है और एक जगह 2,000 समथिंग है। रोड टैक्स के अंदर आपको क्या कुछ देना पड़ता है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लग रहा है यहाँ पे इतना रुपये, हैंडलिंग चार्ज आपको यहाँ पे लग रहा है, रोड टैक्स और सेफ्टी क्रॉस आपको इतना लग रहा है, मतलब ये तीन को मिला के यहाँ पे 16,058 रुपये हो रहा है। और इस साइड में भी आपको यही कुछ है, तो अलग जगह जहाँ पे रोड टैक्स आपको लगता है वहाँ पे रोड टैक्स लगेगा, जहाँ पे रोड टैक्स नहीं लगता है वहाँ पे आपको रोड टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्कूटर का आपको इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है जो कि 6,561 रुपये है, जिसमें आपको एक साल का ऑन डैमेज और 5 साल का जो है थर्ड पार्टी का आपको इंश्योरेंस कंपनी बना के देती है। ओला की तरफ से ये इंश्योरेंस जारी किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो ओला की तरफ से नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूटर का इंश्योरेंस है वो आपको सभी जगह बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। हेलमेट का यहाँ पर आपको 7,749 रुपये देखने को मिलेगा, मतलब लगभग 750 रुपये आपको
हेलमेट का देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, हेलमेट का जो चार्ज है वो ओला S1 के लिए अलग चार्ज है, S1 प्रो के लिए अलग चार्ज है, जो कि आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टेट सब्सिडी, जिस स्टेट में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा कि इतना रुपये आपको ये स्टेट सब्सिडी का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ओला की जो दोनों मॉडल है S1 और S1 प्रो दोनों के लिए आपको 20,000 रुपये का एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा इसको परचेज करने के लिए। और यहाँ पे जो है सब्सिडी का डिस्काउंट अभी आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, क्योंकि इसको क्लेम करने के लिए आपको RTO में जाके इसको क्लेम करना होगा, तब जाके आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्काउंट में मिलने वाली है। और एक बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अभी फाइनेंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट होता है EMI वो यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेगा। बाद में यहाँ पे कंपनी शायद अपडेट कर सकती है या फाइनल आउटपुट के टाइम उस टाइम आपको EMI का सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो होता हुआ दिखने वाला। तो दोस्तों S1 प्रो के प्राइस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग बता दूँ कि ये वीडियो को परचेजिंग का जो क्लिप है वो हमारे एक दोस्त ने शेयर किया है, जिनका यूट्यूब का चैनल है, उनका यूट्यूब का चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें S1 प्रो का, तो ये जो ऊपर में देख रहे हैं ये आपको ऑन रोड प्राइस होने वाला है, जो कि काफ़ी महंगा अभी आपको लगने वाला है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आपको 1.5 लाख देना है तो ये काफ़ी महंगा सौदा लगता है। यहाँ इनका एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,29,999 रुपये लग रहा है, RTO टैक्स यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बाकी स्कूटर का इंश्योरेंस आपको यहाँ पे S1 प्रो का अलग ही देखने को मिल रहा है, जबकि S1 का अलग था। और बाकी यहाँ हेलमेट का आप देख सकते हैं 749 रुपये है। और मैं बता दूँ यहाँ पे अलग हिसाब से पता नहीं क्या कंपनी कर रही है इनका हेलमेट का जो है कि नहीं, किसी को जैसे यहाँ पे S1 प्रो में आप देख रहे हैं 749 रुपये लग रहा, किसी को यहाँ पे 1,299 रुपये भी लग रहा है। पता नहीं भाई कौन सा हेलमेट ये देने वाले हैं, जो भी अपडेट होगा आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके रख लीजिए। और बाकी जिन्होंने बुक किया था 499 रुपये से, यहाँ पर वो चीज़ें आपको माइनस होती हुई दिख जाएगी। तो ये जब फाइनल आउटपुट होगा, जो फाइनल जब इसका परचेजिंग का जब इनवॉइस बनेगा उसमें ये चीज़ें आपको माइनस होते हुए दिख जाएगी। बाकी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो ओला की है इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो ओला कंपनी आपको सब्सिडी नहीं देगी, स्टेट आपको सब्सिडी देती है, जिसका क्लेम आपको RTO से ही जाके देखने को मिलेगा, RTO से ही आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मतलब सारा कुछ यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह दे के फिल कर देना है। उसके बाद आपको 20,000 रुपये का पेमेंट करना है, चाहे आप S1 चाहे आप S1 प्रो ले रहे हैं। उसके बाद कंपनी जो है 72 घंटे के पास आपके पास ईमेल के थ्रू आपको अपडेट कर देगी, मतलब आप जैसे आप आज परचेज करें तो आपको 72 घंटे के अंदर ओला की तरफ से ईमेल आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अगला पेमेंट कब करना है और चाहे तो आप कैसे EMI या फाइनेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको उसमें भी शो हो जाएगा कि आपको कब तक डिलीवरी ये होने वाली है। सबसे पहले बात अगर इसका जो टेस्ट राइड की बात करें, तो इसी मंथ मतलब अक्टूबर में आपको इसका टेस्ट राइड भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये स्कूटर लेने का मन नहीं है तो भी आप कैंसिल करवा सकते हैं, बट रीज़न यहाँ पे एक ये है कि बस नियम ये है कि ओला की जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं वो फैक्ट्री से डिलीवरी के लिए आपके पास निकली ना हो। तो मतलब आप मान के चलिए कि एक हफ्ता पहले भी अगर आप कैंसिल करवाते टेस्ट राइड लेने के बाद आपको पसंद नहीं आती है तो भी आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। बाकी टेस्ट राइड का कैसे कंपनी करेगी इसके बारे में, जैसे कि मेरा आइडिया कि आपको शायद घर तक ये शायद देंगे, जहाँ से आपको एक लोकेशन बताया जाएगा वहाँ पर आप इस आके टेस्ट राइड कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट है। बाकी अगर बात करें कि जिनके पास बुक नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो लोग लेट से बुक किए हैं उनको पास लेट से परचेजिंग का लिंक सारा कुछ होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ और दो राज्य इसमें नए इंक्लूड हो गए हैं जो अब आपको स्टेट सब्सिडी देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा और आसाम इसमें इंक्लूड हो गए हैं। यहाँ पर ओला की तरफ से इसमें भी अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पर अब आपको बता दूँ कि यहाँ पर 20 से 25,000, किसी में 15,000 का आपको सब्सिडी डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप यहां पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप फिर भी परचेज नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, इसका भी एक रीज़न मेरे पास है जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो ठीक इस वीडियो के नीचे वाला वीडियो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको शायद उस कारण का पता चल जाएगा कि फिर भी आप क्यों नहीं बुक कर पा रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।